बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। तौकीर रजा का सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान। 23 लड़के लड़कियां इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया। 21 जुलाई को सामूहिक धर्मांतरण कराया जाएगा। 21 जुलाई को 5 जोड़े का धर्मांतरण और निकाह कराया जाएगा, ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया है। तो मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान किया है, 21 जुलाई को 5 जोड़े का धर्मांतरण और निकाह कराया जाएगा। पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है, आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। अभिषेक सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, तौकीर रजा का जो बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 23 लड़के लड़कियां हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, और बाकायदा वो तारीख बता रहे हैं कि 21 जुलाई को 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन और निकाह कराएंगे, इरादे क्या हैं तौकीर रजा के? बिल्कुल, कई लोग ऐसे होता है जो चर्चा में बने रहने के लिए, चर्चा में आने के लिए कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं। तौकीर रजा उनमें से ही एक है, इससे पहले भी कई बार इस तरह चर्चा में आ चुके हैं, और अब उनका कहना है कि उनको बाकायदा एप्लीकेशन भेजी गई है कुछ लोगों द्वारा, जिसका वो हवाला दे रहे थे कि उन्हें धर्म परिवर्तित करके शादी करनी, और ये भी कह रहे थे कि कानूनी तौर पर वो लोग कर भी चुके हैं शादी, और कह रहे हैं जिला प्रशासन से परमिशन मांगेंगे। जब उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर बाकायदा एक कानून बना हुआ है, धर्म परिवर्तन करना करवाना पूरी तरह गैर कानूनी है, और उस दौरान तौकीर रजा कह रहे हैं कि मैं सामूहिक परमिशन लेकर धर्म परिवर्तन कराऊंगा, इसको लेकर ना सिर्फ फिर से ये पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, कई सारे रिएक्शन आ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, और दोबारा अभिषेक इस बयान को लेकर हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल विरोधास्पद बात है, बल्कि इतना ही नहीं, लखनऊ में 2:30 बजे तौकीर रजा का पुतला फूकने का पूरी तरह आयोजन किया जा रहा है कि उनका पुतला फूक कर विरोध जताएंगे लोग, खासतौर पर कई सारे हिंदू समर्थक, और उनका कहना है कि इस तरह की बातें करना, इस तरह की बयानबाजियां करना लोगों को उकसाने जैसा है, इसको लेकर प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह की बातें करने से लोगों के मन में उन्माद फैलता है, धर्म विशेष को लेकर ये बातें कहना कि लोग इच्छा से करवाना चाहते हैं, ये सारी बातें पूरी तरह सांप्रदायिक है। इस तरह के बयान लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2:30 बजे पुतला फूका जाएगा तौकीर रजा का, इस तरह की जानकारियां मिल रही है, और भी कई सारी इसी तरह विरोधास्पद बातें खासतौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी इसको लेकर के खासा रोष है, उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजियों से ना सिर्फ अमन चैन खत्म होता है बल्कि उसमें खलल पड़ता है, बल्कि लोगों के मन में वैमनस्यता
होती है धर्म को लेकर किस तरह की बातें करने से जी। लेकिन ये जो बयान है तौकीर रजा का, क्या ये समाज में ये जहर घोलने का काम वो नहीं कर रहे हैं? इस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बयान आए हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके ठिकानों की जांच कराकर, इसकी संपत्ति की जांच कराकर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना, तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूंगा। तू अपने आप को मौलाना कहता है और इस प्रकार के दंगा भड़काने के कार्य करता है, तू योगी बाबा की सरकार में इस प्रकार का बयान दे रहा है। अरे तू धर्म परिवर्तन करा के तो दिखा, हमारे हिंदू सेठ तुझको बरेली में नहीं रहने देंगे। दिनेश शर्मा को आपने सुना अभिषेक, जिस तरह से ये बयान सामने आया है वो समाज में एक तो जहर घोलने का काम है और क्या इससे समाज का आपसी सौहार्द बना रहेगा, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं और साफ दिख रहा है कैसे नाराजगी जो है वो हिंदू पक्ष जो इस पूरे मामले को लेकर जताता दिख रहा है। बिल्कुल, तौकीर रजा के चैलेंजिंग बयान से ना सिर्फ वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं बल्कि इस तरह के रिएक्शन आना लाजमी है और इससे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा। जब तक या तो तौकीर रजा खुद आकर के इस बात को जस्टिफाई करने के बजाय इस बात को माफी मांगकर इस बात को खत्म नहीं करते, या फिर वो खुलकर बताएं कि आखिर कौन लोग हैं जो उनको एप्लीकेशन भेज रहे हैं, जो कोर्ट नहीं जा रहे, जो पुलिस के पास नहीं जा रहे, प्रशासन के पास नहीं जा रहे, सीधे तौकीर रजा के पास आ रहे हैं। ये वो सारी बातें जिस पर लेकर ये रिएक्शन आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और सिर्फ हिंदू ही धर्मगुरु नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी नाराजगी है पूरे मामले पर। कहना है कि जब देश में अमन चैन का माहौल है तो आखिर कौन समझता है तौकीर रजा इस तरह के बयान जारी करने के लिए, इस तरह की बातें कहने के लिए कि वो सामूहिक कन्वर्जन कराएंगे जी। चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या कहा गया है सुनिए। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके विवादित बयान दे करके सुर्खियों में आने के लिए तरह तरह के यत्न करते रहते हैं और इसी प्रकार का प्रयास वो फिर कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। किसी को लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर बहला फुसला करके या डरा धमका करके अगर आप मजहब परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे मौलाना तौकीर रजा की तमाम गीदड़ भक्कियां, तमाम उनके इस तरह के बयान केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए होते हैं, उनकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता को अभिषेक हमने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के बयान अगर वो देते हैं तो इसका मतलब है वो सुर्खियों में आना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, इसके अलावा उनके बयानों का कोई मकसद नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से अगर तौकीर रजा इस तरह का बयान देते हैं और ये कहते हैं कि 23 लड़के लड़कियाँ हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो क्या इसको लेकर कोई जाँच हो रही है कि ये कौन लड़के लड़कियाँ हैं जो जिनको लेकर इस तरह का बयान तौकीर रजा की तरफ से दिया जा रहा है, इनकी क्या जांच हो रही है, क्या इन पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है और तौकीर रजा के इस बयान के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये पहला मौका नहीं है जब तौकीर रजा सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो कई सारी बातें कह चुके हैं, हलाला को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, शरिया कानून के बारे में। लिहाजा ये सारी बातें उन्होंने मौखिक तौर पर कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन कोई एविडेंस, कोई प्लान, कोई शख्स, कोई आदमी जो इस बात को तस्दीक करे कि हाँ वाकई ऐसा है, जो सर्टिफिकेशन की वो बात कर रहे हैं, जिन
चिट्ठियों की बात करें, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ये कहा कि वो खुद प्रशासन से परमिशन लेंगे और पूछेंगे कि भाई अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो करने दिया जाए। ये बात उन्होंने कॉन्ट्रडिक्टरी इसीलिए कही कि चर्चा में वो आ जाए, और ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि अगर कोई होता भी है तो वो प्रशासन से संपर्क करेंगे। तौकीर रजा कोई ठेकेदार नहीं जो उनके पास जाकर ये बातें कही जाए। लिहाजा अभी इंटरनली इस पूरे मामले में ये जरूर है कि हो सकता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जानकारी हासिल कर रही हो, औपचारिक तौर पर नहीं अनौपचारिक, लेकिन अब देखना होगा अभिषेक तौकीर रजा के इस बयान को प्रशासन कैसे देखता है और क्या आने वाले वक्त में इस बयान को लेकर तौकीर रजा पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ दया शंकर सिंह उत्तर प्रदेश कैबिनेट पे मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस बयान को लेकर क्या कहा गया है सुनिए। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मौलाना रजा विवादित बयान देते हैं, इस बार भी उनके जो बयान है वो सुर्खियों में आ रहा है, धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर एक गलत मैसेज ये कहीं ना कहीं जरूर फैलेगा कि पहले आप धर्म परिवर्तन करो और उसके बाद सामूहिक निकाह कर लो? देखिए, प्रदेश के माहौल खराब करने में कोई भी कोशिश करेगा तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। यहाँ कानून का राज है, कानून से खेलने के किसी